मार्गला की सरसब्ज पहाड़ियों के दामन में शादरा के इलाके में बहता कुदरती चश्मे का पानी गर्मी से परेशान लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कहीं पर बच्चे तैराकी में मसरूफ हैं, तो कहीं कोई पानी में पाँव डाले इस फितरी ठंडक से लुत्फ अंदोज हो रहा है। यहाँ पे मजा आ रहा है क्योंकि घर में गर्मी बहुत होती है, लाइट जाती है। इतना एक्साइटेड और इतना मजा आ रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज्यादा एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम इतना आई हूँ। सख्त गर्मी में अचानक आसमान पर गहरे बादल छाए तो लोगों की बड़ी तादाद ने इस खूबसूरत मकाम का रुख किया और फिर तो जैसे जंगल में मंगल हो गया। लेकिन यहाँ सैर के लिए आने वालों का ये भी कहना है कि मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस इस चश्मे की कुदरती खूबसूरती मुतासर हो रही है। बहुत प्यारी है, लेकिन ये है कि इसको और मतलब बेहतर करें तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कि इसको थोड़ा सा और डेवलप होना चाहिए इस जगह को, ताकि इजीली लोग आ सकें। सियाहों के लिए बहते पानी में कुर्सियां और मेज़ें भी लगाई गई हैं, जहां वो लज्जत कामो दहन के साथ साथ बहते पानी की कुदरती खूबसूरती से भी लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। शदीद गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग के स्टाइल लोग ना सिर्फ इस्लामाबाद से बल्कि दीगर शहरों से आकर यहाँ पानी में इंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन शहजाद रफी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, शादरा, इस्लामाबाद।